Like, what have you been studying in math in your previous year? कोई भी एक बता दो. हेलो. कोई भी एक बता दो, मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? बॉयस, गलत सही, आई डोंट रियली माइंड. बताओ क्या था, क्या पढ़ रहे थे? सर हमने स्टैट पढ़ अभी रहे थे, प्रोबेबिलिटी सही सही एंड फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक है. ठीक इक्वेशन. है, लीनियर इक्वेशन ही पढ़ी होगी आपने फिर तो. जी लीनियर इक्वेशन ही पढ़ी होगी, वाई को स्क्वायर एक्स प्लस सी वाली. सर पढ़ी है. पढ़ी थी ना? ठीक है. अच्छा, अब उसमें आप लोगों को क्या क्या रिवीजन की जरूरत है, ताकि फर्स्ट आई टेक योर रिवीजन क्लास टुडे एंड देन आई टीच यू व्हाट इज सपोज्ड टू बी इन दिस टर्म. देखो, इन दिस टर्म यू आर सपोज्ड टू बी टॉट ट्रिग्नोमेट्री, सही है? अब उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसके हम ब्रेक डाउन कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, सही है? लेकिन उससे पहले आप लोग के जो पिछले मैथ के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना चाहिए, क्योंकि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप आगे जो पढ़ रहे हो, सही है, उसके उससे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, उसी की प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे आपने आगे क्या पढ़ना है, सही है? मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको ओवंस में इसलिए कराता हूँ बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिस ऑफ एवरी अदर टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड अदर देन स्टेटिस्टिक्स, सही है? ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आती है, हर जगह. ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्राइंगल्स की स्टडी है, वो है ट्रिग्नोमेट्री, सही है? तो अगर आपने ट्राइंगल्स पढ़ लिया, तो आपने मैथ्स का, ज्योमेट्री का, या मैथ्स का एक तरह से लाइंस का, ग्राफ्स का, सब कुछ आपने एक तरह से पढ़ लिया होता है, सही है? वंस यू हैव बीन लाइक टॉट विद ऑल दैट इज इन ट्रिग्नोमेट्री, आपको कहीं ना कहीं उसकी लिंकेज आपको दूसरे दूसरे टॉपिक्स में समझ में आ जाती है, सही? एम आई ऑडिबल टू यू? सही है? यस सर, अच्छा, यस सर, समझ में आया मेरा क्या कॉन्सेप्ट है? हेलो, समझ में आया आप लोगों को मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पीछे पहले वाली क्लासेस को थोड़ा सा रिवाइज कराने का, और फिर आगे जाके मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का. समझ में आ गया क्या सीन है? यस सर, आज ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी थी हमने. अच्छा, पढ़ी थी तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा और साइन कॉस टेन पढ़ा जी सर, होगा, हाँ सर, वही, यस ये सर, दोनों पढ़े थे. ऐसे ही था. अच्छा, तो यस अब सर, इसके ही बहुत आगे भी एक पूरी अलग समझ लो ब्रांच है. ये जो आपने पढ़ा है, ये एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री की, जो इसके बाद पढ़ोगे वो एक अलग ब्रांच है, सही है? तो जब ये दोनों ब्रांचेस आप पढ़ लोगे, तो फिर आपको पूरे का पूरा जितना भी मैथ के अंदर सिलेबस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट कर रहा हो, सही? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का मकसद ये है, टू लेट यू गाइस नो कि भाई मैथ के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, सही? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी, कैन एनीवन लाइक वॉलंटरीली टेल मी, प्रोबेबिलिटी थी क्या? यू कैन बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग, कोई मसले की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर पार्टिसिपेटिंग. सर किसी चीज की परसेंटेज निकालना सर, जिसमें कोई प्रोबेबिलिटी हो कि इसकी इसमें से ये चीज 6 5 में से एक नंबर 3 हो सकता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं उसके 3 होने के? चलो सही है, चांसेस कह लेते हैं, सही है? बाकी लोग क्या ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल, सही बोल रहे हैं. बोलो. अच्छा, और कोई और इसमें ऐड इन करना चाहे कुछ? जी भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? हाँ आप हैं कौन? हेलो भैया सोहेब, आप क्या ऐड करना चाहोगे? सोहेब, इट सीम्स दैट सोहेब इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास. सोहेब, यस सर, सर आप क्या ऐड इन करना चाहोगे प्रोबेबिलिटी के अंदर? कुछ भी, देखो गलत हो सही हो कोई मसले की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू आर लर्निंग, दैट्स ऑल राइट.
क्या है प्रोबेबिलिटी? चांसेस चांसेस। चलो बाकी लोग, हेलो जानी क्या हाल है? एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स? हेलो जी जी, कौन है भाई? एहसन जी सर। आप कौन है भाई? मैं एहसन हूँ सर। मतलब ये तो मतलब कायनात को पता है आप एहसन है, लेकिन वीडियो ताकि पता लग जाए कि आप हैं कौन। शक्ल लिखनी चाहिए ना आपकी, नाम से क्यों सर? हाँ ऐसे तो नहीं होता है बेटा, ऐसे होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। जल्दी बताइए एसएन, क्या सुन रहे हो? वीडियो खोलो। चलो खैर, ब्लॉग लेट्स। सर ये कितनी क्लास है एक साथ है? लेट्स बेटा, आपको टाइम टेबल नहीं मिला क्या? कहाँ पे रह रहे हो? नहीं अरे सर मैं पूछ रहा हूँ अभी की क्लास में, जो अभी क्लास हो रही है हमारी, कितनी क्लासेस हैं? कितनी क्लासेस हैं अभी? मतलब कितनी जमात एक साथ पढ़नी है? लड़े कितने ग्रेड्स कितने से एक साथ पढ़ने, ये पूछो जा रहे हैं आप? जी जी यही पूछ रहा हूँ सर। अच्छा तो ये क्यों पूछना चाह रहे हैं आप? अपना पढ़िए ना बेटा। नहीं सर ऐसा ऐसा तो नहीं होता। अच्छा नहीं होता? आपको बताता हूँ मैं कैसा होता है। हमारी क्लास के बच्चे ही नहीं आए? अब मुझे तो नहीं पता ना भाई। देखो आप एहसन शकील हो? जी सर जी जी जी। तो आप एहसन शकील बेटा, आप अभी वाली क्लास में क्यों आ गए? ये तो ओ1 की क्लास है। तो अभी ओ2 की क्लास बाद में होगी बेटा, 11 बजे होगी। 11 बजे? चले सही है सही है, शुक्रिया। लगता है किसी और की खोली में आ गया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था। प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड एनीथिंग दैट हैज अ प्रोबेबल चांस। प्रोबेबल चांस मतलब ये है कि उसके उस इवेंट के या उस चीज के उस आउटकम के आने के चांसेस कितने होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब रिगार्डलेस उसका फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहली चीज जरूरी होती है कि इवन बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग यू नीड टू नो व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट। सही है? टॉपिक स्टेट्स कि उस टॉपिक में होगा क्या क्या। सही है? बिफोर डाइविंग इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशन जो फिर उसमें फॉर्मूले में आप सवाल सॉल्व करने बैठ जाओ, 25-30 सवाल सॉल्व करो, बस करे जाओ। सही है? दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, राइट? In my case, this is not the right approach. सही है? Like, let's make it precise. Probability होता ये है कि you have to make certain chances out of a given number of chances. सही? For example, if this is the class, सही है? आप लोग को एक choice given थी कि you either attend this class or you don't attend this class. ऐसा ही है? अब उसमें से आपने attend choose कर लिया है, मतलब ये हो गया कि out of those given two possibilities, either to attend it or to not attend it, सही है? You chose attendance, सही? ज़्यादा बात नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दो पॉसिबिलिटीज के अंदर मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा या मेरा मैथमेटिकल टर्म क्या बनेगी। उस मैथमेटिकल टर्म को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा बात समझ में आई? सही है? जो भी मेरे आउटकम्स थे उनके चांसेस को अगर मैं मैथमेटिक्स में ब्रेक डाउन कर दूंगा तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की तरह ही बोल रहा हूँ कि बस मैं अटेंड करूंगा नहीं करूंगा, तो बस ये मैं इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही बात कर रहा हूँ। सही है? दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। सही है? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो अब मेरे मैथ्स के थ्रू चांसेस कितने हैं क्लास अटेंड या ना अटेंड करने के? दे आर 1 out of 2, मतलब 1/2 चांसेस। सही है? तो हाफ चांसेस है कि मैं अटेंड करूंगा, हाफ चांसेस है कि मैं अटेंड नहीं करूंगा। अब अगर मैंने अटेंड कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे फुल चांसेस हो गए। नहीं,
अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन लाइक लीव द क्लास, सही, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास. तो अभी भी वो चांस रहता है कि मैं क्लास अटेंड ना करूं, ठीक है, ये बात समझ में आई. सो द सेकंड टाइम यू चूज अनदर क्लास ऑफ माइंड, यू अगेन हैव टू चांसेस कि भाई आपके पास दोबारा से वही दो चांसेस हैं कि ईदर यू अटेंड माई क्लास और यू डोंट अटेंड माई क्लास. सही, ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब गिवन नंबर ऑफ जो चांसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में क्या होगा, मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, तो उन जितने भी टोटल नंबर ऑफ चांसेस हैं उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. मतलब मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ठीक है. अब उसमें से मुझे चूज करना है कि मैं कौन सी चीज पिक करूं, तो वो मेरा गिवन चांस हो जाएगा. मतलब मैंने वो चूज किया है, सही है, आउट ऑफ दैट टोटल नंबर ऑफ चांसेस. सही है. अब इसकी एक बहुत टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जो डाइस रोल हम करते हैं, सही है, जो हम लूडो वगैरह में खेलते हैं, तो उस डाई रोल, अच्छा एक जो होता है वो होता है डाई और जो दो होते हैं वो होते हैं डाइस. सही है. अच्छा, अब एक जब वो डाई रोल करेगा तो उसमें कितने चांसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 चांसेस होते हैं, 60 चांसेस होते हैं, राइट. अच्छा, अब लेकिन बस नंबर 4 आ गया, तो नंबर 4 आने का मतलब ये है कि 4 कैन ओनली कम वंस आउट ऑफ दोस टोटल 6 चांसेस. ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक चांस है आउट ऑफ दोस 6 चांसेस कि मेरे पास 4 आ जाए. तो इसकी मैथमेटिकल टर्म क्या बनेगी, 1/6. यहां तक बात समझ में आ गई? यस. अच्छा, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को मैथमेटिक्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी को समझ में आने का क्या मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी. देखो, मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया. गर्ल्स, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. जी उद्दीन साहब, आप बताइए क्या सीन है, आपको क्या समझ में आया प्रोबेबिलिटी के अंदर? सर, कि ये समझ में आया कि सर जो जो चांसेस होते हैं, सर किस तरह के चांसेस हैं, जैसे सर आपने डाइस के बारे में बताया, तो उसके 1/6 चांसेस मतलब सिक्स उसके ना वो होते हैं सर, 2/6 लेट वो होते हैं उसके, तो फिर चांसेस कितने के कौन सा नंबर आ जाए. तो सर मैथ के अंदर भी इसी तरह का कोई होगा सर, कि कितने चांसेस हैं कि इस तरह की चीज आ जाए हमारे सामने. ठीक है, ठीक है. एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स? Inshra Shadman, your mic is open. Can you like participate in it? थोड़ा जोर से बोलिए. We cannot hear you, Inshra. I understand from probability that it means the happening. Okay, चलें, ठीक है. किरात, what have, what is something that you have to say, Kirat, आप बताइए क्या है. Kirat, can you please tell me के मैथ्स के अंदर probability को आप क्या समझ में आया? Kirat must be sleeping, right? Kirat. चले, आयशा आप बता दीजिए, सादिया आप बता दीजिए, जहीर आप बता दो, आपको प्रॉब्लम में क्या समझ में आया? सर, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास अगर जो नंबर्स हैं उसमें से अगर हमें एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए, जैसे 1 to 10 में से हमें कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी. और अगर हमें कोई दो नंबर चाहिए 1 to 10 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 होगी. तो ये चांसेस पे डिपेंड करता है. ठीक है. अच्छा देखो, टेकिंग ज़हीर्स वर्ड फॉरवर्ड, अगर फर्स्ट करें मेरे पास 1 to 10 तक नंबर्स हैं, सही है. इन नंबर्स के अंदर अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 देखें तो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, दीज आर 5 नंबर्स. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी चाह रहा हूँ 1 to 10 तक मल्टीपल्स ऑफ 2 की या इवन नंबर की,
सही है, तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 5 out of 10। क्यों? क्योंकि देखो 5 चांसेस हैं मेरे पास, 2, 4, 6, 8 and then 10। तो इन 5 चांसेस के थ्रू आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई 5 चांसेस हैं आउट ऑफ अ गिवन टोटल ऑफ 10 चांसेस। तो 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2, तो हाफ चांसेस रहेंगे। ये बात समझ में आई सबको? यस ठीक है। यस सर। अच्छा भाई गर्ल्स, आप में से कोई एक आध बोल पढ़ो प्लीज, ताकि मुझे लगे कि हाँ सब लोग जाग रहे हैं। एक तो आपने कैमरा भी ऑफ करा हुआ है, माइक भी ऑफ किए हुए हैं, सोना नहीं है भाई। दिस क्लास इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी रिवाइज करवा रहा हूँ पिछला, कि देयर हैज बीन अ ह्यूज गैप। कोई एक आध बता दो गर्ल्स में से। Hello girls, it seems as if you are all sleeping. तो probability कितना chance है? 2, जैसे कि 1 till 10 है जैसे सही ने बताया, उस तरीके से 1 till 10 अगर हमें 3 number, मतलब 3 number में से कोई भी आ सकते हैं, तो हमारी probability होगी 3/10 इस तरह का। चलें हाँ, इसको इस तरह ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर फर्स्ट करें मैं बोलूं मल्टीपल्स ऑफ 5 हो तो फिर क्या होना चाहिए? 1 till 2/10 सही है। अच्छा इंशिरा शादमान, आप बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रोबेबिलिटी एंड इट्स मैथमेटिकल नोटेशंस? द अमाउंट ऑफ चांस, इट हैज समथिंग टू डू विद फ्रैक्शंस। अच्छा चलो सही है, नाइस, समथिंग दैट्स इन फ्रैक्शन, ओके चलो ठीक है। अच्छा अगर फर्ज करें ये फ्रैक्शन ना हो तो क्या आंसर होगा इसका? क्या ये फ्रैक्शन होता है? जरूरी है कि फ्रैक्शन हो? नो सर, इट कैन बी इन परसेंटेज एज वेल। इट कुड बी इन परसेंटेज एज वेल, सो परसेंटेज हैज टू बी लाइक कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, सही है? तो वो भी फ्रैक्शन ही हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी कोई होल नंबर हो सकता है? जी सर। हो सकता है? हाँ। कैसे? सर जैसे अगर डाई को रोल किया, एक डाई को, अच्छा डाई को रोल किया उसके बाद? सर मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। चलिए आप वैसे ही बता दें, ऐसे ही रैंडमली बता दें। देखिए अभी तो मतलब मैं आपको सिर्फ एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ ऐसा ये होता ही होता है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट, सही है? जब मैं इसकी मैथमेटिकल नोटेशंस में आऊँगा फिर आपको मैं मैथमेटिक्स के थ्रू ही समझाऊंगा। अभी मैं वैसे ही मैथमेटिक्स के थ्रू ही समझा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सही है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली होल नंबर हो सकती है, इट कुड बी फ्रैक्शन, इट कुड बी होल नंबर्स, सही है? लेकिन प्रोबेबिलिटी होल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 होती है या 1 होती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो सुना होगा आपने, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बाकी लोगों ने सुना है ये प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती? जवाब हेलो जवाब जैसा सर साध ने बताया था। अच्छा 0 क्यों होगी ये पता है? बॉयज 0 क्यों होगी प्रोबेबिलिटी ये पता है किसी को? समीन काशिफ साहब आप बताइए। जी मुझे पता है, वो लड़की है। अच्छा किरात आप बताइए 0 क्यों होगी? जब वो 100% चांसेस होते हैं। 0% चांसेस होते हैं। अच्छा मतलब कि अगर फर्ज करें मैं डाई रोल कर रहा हूँ तो उसमें क्या आउटकम आना चाहिए? सर डाई रोल करने में तो नहीं हो सकता ना। अच्छा देखिए देखिए अगर मैं डाई रोल कर रहा हूँ ठीक है, तो उसमें चांसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सही है, 6 चांसेस हैं। लेकिन मैं डाई रोल कर रहा हूँ और मैं चाहूँ कि हेड आ जाए तो नहीं आ सकता, ऐसा ही है?
तो इस वक्त इसके चांसेस कितने हैं? जीरो। और अगर मैं डाई रोल कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि 20 आ जाए तो नहीं आ सकता, ऐसा ही है? Yes, तो जो चीज नहीं आ सकती दैट हैज जीरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब 100% चांस कैसे है? अगर 6 आए, 6 आ जाए, सही है? मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ जाए, सही है? मतलब आई वॉन्ट एन आउटकम दैट इज बिटवीन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसा ही है? जी. तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब मुझे जो भी आउटकम आ रहा है आई हैव एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट आंसर, कि मतलब मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ सही है, मुझे यही चाहिए आंसर, सही है? तो उस वक्त 100% चांस होता है. और 0% चांस कब होता है? जब मैं ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि आउटकम में आ ही नहीं सकती, या आउटकम के अंदर है ही नहीं, या सैंपल स्पेस के अंदर है ही नहीं. ये बात समझ में आई? बाकियों को समझ में आई? जहीर, आपको समझ में आई? सर आई. ओके आयशा. अच्छा, अब ये देखें कि आपको अगर फर्ज करें हेड टेल में से, देखें ये दो आउटकम है हेड टेल, राइट? तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि दो आउटकम्स हैं हेड टेल. अब मैं कॉइन टॉस करूं और हेड टेल के बजाय मैं एक्सपेक्ट करूं कि 5 आ जाए, तो क्या आ सकता है 5? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि हेड टेल में से कुछ बीच का कुछ आ जाए तो कुछ आ सकता है? आ सकता है? कौन बोल रहे हैं भाई? दिस इज आई डोंट नो. अच्छा, तो ये आ सकते हैं नहीं आ सकते, ये बताइए. नहीं आ सकता. अच्छा, क्यों नहीं आ सकता? देखो, हेड टेल में से कुछ ना कुछ बीच वाली चीज तो आ सकती है ना, क्यों नहीं आ रही वो? बढ़िया, तो हेड आएगा तो चीज होती है. हां एग्जैक्टली, तो बीच वाली चीज कुछ होती नहीं है. तो ऐसा नहीं होता कि मैं कॉइन टॉस करूंगा कॉइन ऐसे बिल्कुल खड़ा हो जाए, नहीं, सही है? इट हैज टू फ्लिप टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट? यस सर. यस. अच्छा जी सर. अब देखो, फॉर एग्जांपल, आप जैसे इंशाल्लाह स्कूल खुल जाए जल्द से जल्द, तो आप स्कूल आ रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/5. जी निकल चुके हैं, मतलब आप बस स्कूल के गेट पे खड़े हुए, उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी स्कूल आने की? 1/1. सही है, 1/1 मतलब 100% चांसेस है, राइट? यस जी. आप स्कूल के गेट पे खड़े हुए हैं, सही है? सुनते रहिएगा, आप स्कूल गेट पे खड़े हैं लेकिन आप बुक्स वगैरह बैग वगैरह लेके भूल गए, तो अब क्या चांसेस है आपका? उस वक्त आपका चांस होगा 0/1, क्योंकि आप स्कूल के अंदर तो नहीं आ सकते, आपके पास बैग तो है ही नहीं, तो आप वापस घर भागोगे बैग लेने, सही है? आप हालांकि आपका एक ही चांस था कि स्कूल में आप आ ही गए, लेकिन आप स्कूल में फिर भी नहीं आए, ठीक है? बात समझ में आई वाले? यस सर. यस. अच्छा, अब दूसरा टॉपिक आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी के अलावा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिकल डायग्राम, स्टैट्स पढ़ा था. अच्छा, क्या सेट्स और प्रोबेबिलिटी थोड़े से लिंक्ड है या नहीं है? यस सर, लिंक्ड है. बाकी लोग बताएं, लिंक्ड है नहीं है? देखें, शायद गलत. लिंक्ड है. लिंक्ड है तो कैसे लिंक्ड है भाई? सर, वो जो ये वर्ड कलर निकालते हैं. जी, क्या बोल रहे हैं?
आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आई मुझे। सर मैं कह रही थी इस तरीके से जैसे कि हम कभी यूनिवर्सल सेट और जो होते हैं वो करते हैं, मैं भूल गई थी। आवाज नहीं आई मुझे आपकी सही से, क्या बोल रही हैं आप? सर मैं कह रही थी कि जो हम यूनिवर्सल सेट्स और उसमें करते हैं ना, यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा चले, हाँ सही है, यू आर करेक्ट इन अ वे। लेकिन सेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट सेट मीन? सही मैम, पूरा वो सेट है, इस चीज का सेट है, इस चीज का सबसेट है सर, किसी चीज का पेयर बनाना जी, किसी चीज का पेयर बनाना। हु वाज दिस, कौन बोल रहा था ये? ब्रिलियंट क्वेश्चन, और उसका सही से आपने अच्छा जवाब दिया, नाइस नाइस। ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, लेकिन अच्छा है, नाइस, दैट्स नाइस, सही है। फिर चीज़ को ग्रुप कर देना, एक तरह से सेट होते हैं, सही। अच्छा अब वो ग्रुप किस तरह करते हैं जवाब, ये बताए। जवाब हाउ डू वी ग्रुप देम? हेलो जवाब, हेलो हेलो जवाब, बताइए क्या होता है। जहीर साकिब अभी तो थे ही, ज्वाइन नहीं थे, पता नहीं। जहीर आप अभी ज्वाइन तो थे, तो आप फिर मतलब क्या इंटरनेट कनेक्शन, नेट में इशू आ गया था, मीटिंग लेफ्ट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो टाइम रिमेनिंग है 7 मिनट्स, तो चले खैर, नेट बंद हो गया था। अच्छा ये बताइए कि ये पता है कि सेट्स क्या होते हैं किसी को? हेलो भाई सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सेट्स बताइए क्या हो? सर जैसे टू और टू का हमने किसी चीज का पेयर बना दिया, दो और दो चीजें ली हमने, उसका पेयर बना दिया, ठीक है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल, और कोई एग्जांपल दीजिए सर। जैसे बिल्कुल नहीं, जी जैसे देखिए जवाब एंड एवरीवन ओवर हियर, कोई मसले की बात नहीं, अगर आप गलत हो कोई मसले की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर पार्टिसिपेटिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। सर जी, सर कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक जगह में दिखाना कि कितना डिफरेंट अमाउंट है हर चीज का। चलिए कुछ हद तक सही है, ये कुछ हद तक सही है। और कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे इस बात पे? जी भाई बाकी बताइए लोग। सर अगर 3 एप्पल्स हैं और 3 बनानास हैं तो उसके 2 अलग अलग सेट्स होंगे, एज एन एग्जांपल। ठीक है किरात, आप बताइए क्या है? अच्छा आपका नाम किरात है या किरत है? किरत। ओके सही, आप बताइए किरत, कुछ भी बताइए, मतलब ऐसी मतलब रैंडम बताएं क्या है क्या नहीं है, नहीं पता फिर भी बता दें ऐसी रैंडम, गलत तो कोई मसला नहीं है, मैं जूम से निकल के आपको मारने थोड़ी चले आऊंगा।
वैसे भी आई एम मोर इनटू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन माय क्लास वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग कोई मसले की बात नहीं होती एज लॉन्ग एज यू आर पार्टिसिपेटिंग जी भाई अजान भाई आप बताइए क्या बोल रहे हैं आपने हैंड रेज किए बोले सर सेट्स वो हैं जिन चीजों को हमने पेयर बना के अलग अलग ग्रुप में रख देना मतलब किसी चीज इसका यूनिवर्सल सेट में से अलग ग्रुप में रख देना ठीक है यूनिवर्सल सेट में क्या मतलब होगा फिर सर मतलब सारी चीज जितने भी सेट्स होंगे ना सारे उस वक्त यूनिवर्सल सेट में सारे कंबाइन होके होंगे ठीक है सही अच्छा एनीवन एल्स वांट टू पार्टिसिपेट ताकि मैं इसका अच्छा जवाब देके मैं क्लास को एंड करूं आज एनीवन सर इसमें मीन मीडियन मोड और होते हैं नहीं इंशरा थोड़ा सा यहाँ पे आप रहते हैं ठीक है चले अब मैं बताऊं क्या होता है सेट इन सिंपल वर्ड्स देखो भाई सेट ये होता है सेट इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन मेथड क्या है क्लासिफिकेशन मेथड को हम बोलते हैं सेट्स मतलब हम कुछ भी क्लासिफाई करें कुछ भी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने शूज को क्लासिफाई करता हूँ कि फॉर्मल शूज कौन से मेरे कैजुअल शूज कौन से हैं सही है रनिंग शूज मेरे कौन से हैं तो इनको ही मैं सेट के थ्रू कैटेगराइज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइज करने को कहते हैं सेट सही है अब सेट कैटेगरी के अंदर कुछ भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गुड स्टूडेंट्स और बैड स्टूडेंट्स की हम कैटेगराइज कर सकते हैं सही है अच्छा गुड मार्क्स और बैड मार्क्स को भी कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग ठीक है नंबर्स को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 है मल्टीपल ऑफ 4 है सही है या इवन नंबर है या ऑड नंबर है इस तरह से भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं हम सीजन के थ्रू भी कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो है ना ये बहुत गर्मी वाला दिन है तो इनको हम समर सीजन के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं सही है नवंबर दिसंबर जो है वो विंटर सीजन है तो हम उसको विंटर सीजन में कैटेगराइज कर रहे हैं ये बात समझ में आई लेकिन हम जब दो लोगों को कैटेगराइज करते हैं दो चीजों को क्लासिफाई करते हैं सही है उन क्लासिफाई करने के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप कर रही होती है ओवरलैप का मतलब ये है कि वो दो चीजें उसके अंदर कॉमन भी होती हैं कैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों की बारिश को हम बोलते हैं मानसून ऐसा ही है अच्छा सर्दियों की बारिश को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन जो सर्दियों में बारिश होती है ठीक है तो अगर मैं गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम के अंदर दोनों को ओवरलैप करना चाहूंगा तो मैं उस बारिश से कैटेगराइज कर सकता हूँ कि रेनी सीजन सही है अब रेनी सीजन जो है वो समर सीजन में भी होता है और वो विंटर सीजन में भी होता है सही है तो इनका इंटरसेक्शन कहलाता है इंटरसेक्शन मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं सही है तो रेनी सीजन इज ओवरलैप सही है इन समर सीजन एज वेल एंड विंटर सीजन एज वेल सही अच्छा वजी बताइए क्या बोल रहे हैं आप सर ये विंटर सीजन और समर सीजन का विंटर सीजन और द समर सीजन का बताओ मुझे समझ नहीं आया सर अच्छा देखो अगर फर्स्ट क्लास मैं कैटेगराइज कर रहा हूं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को सही है तो ये हो जाएंगे समर सीजन गर्मी पड़ती है सही है अब अगर मैं नवंबर दिसंबर जनवरी को देखूं तो वो हो जाएगा विंटर सीजन ठीक है भैया सही है अब जब मैं इन दो को कैटेगराइज कर रहा हूँ तो ये दो अलग सेट हो गए क्योंकि मैंने इनको दो अलग कैटेगरी में डाल दिया लेकिन इन दो अलग कैटेगरी के अंदर भी कुछ और कॉमन हो सकता है सही है और वो कॉमन क्या है वो है विंटर सीजन और समर सीजन की कॉमनैलिटी है या इंटरसेक्शन है रेनी सीजन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है ठीक है तो रेनी सीजन समर मानसून भी हो सकता है और वो वेस्टर्न डिप्रेशन भी हो सकता है यहाँ तक बात समझ में आई जी सर अच्छा अब यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं ठीक है और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन सब की मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह के थ्रू वर्कशीट वगैरह सेंड कर दूँ ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस ठीक है ओके भाई अल्लाह हाफिज़